जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग क्लास 123 पर। हाँ दोस्तों, आज की क्लास में, आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे हाई स्कूल इंटरमीडिएट BA, BSc, BCom या किसी भी एग्जाम का जो स्कॉलरशिप है कैसे आएगा या कैसे चेक करें कितना आया है, पूरी जानकारी आप लोगों को लाइव इस वीडियो में बताएंगे। देखने के लिए आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहिए, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए सभी लोग, सबसे पहले आप लोगों को एक ब्राउजर ओपन करना है जिसका नाम है क्रोम ब्राउजर। क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिए, इस पर सर्च कीजिए स्कॉलरशिप, इस पर सर्च कीजिए स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप स्टेटस, स्टेटस 2021-22, 2021-22 चेक करिए, इस पर सर्च कीजिए। इस पर सर्च करने के बाद देखिए दोस्तों, आप लोगों को फर्स्ट ही, देखिए फर्स्ट ही आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, फर्स्ट इस तरह की लिंक मिलेगी, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर दीजिए, इस पर सभी लोग क्लिक कर देते हैं, ठीक है। इसमें देखिए आपको कुछ नहीं मांगा जाएगा, देखिए छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली उत्तर प्रदेश। इसमें आप लोगों को क्या करना है, केवल दो चीज़ें डालना है, एक रजिस्ट्रेशन संख्या, केवल एक रजिस्ट्रेशन संख्या, दूसरी जन्मतिथि, जन्मतिथि है दूसरी जन्मतिथि, दो चीज़ें डालना है, ठीक है, दो चीज़ें डालना है। इसके बाद डालने के बाद देखिए आपके सामने इस तरह का खुल जाएगा, आपका नाम, आपके पिता का नाम, कॉलेज का नाम सब लिख के आ जाएगा। इसके बाद इसमें लेवल स्टेटस सब डेट आ जाएगी, मतलब रजिस्ट्रेशन कब हुआ था, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, फाइनल सबमिशन, ये भी कंप्लीट इतनी तारीख को, ठीक है। इसमें फिर आगे दिया है स्टेटस एट इंस्टीट्यूशन लेवल फॉरवर्ड, इतनी तारीख को हुआ था, ठीक है। आगे देखना अकाउंट वेरीफिकेशन स्टेटस, तो वेरीफाइड बाई बैंक, यानी आपके कोई दिक्कत नहीं है, वेरीफाइड अकाउंट है, ठीक है। वेरीफिकेशन बाई डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस, यहाँ से भी वेरीफाई हो गया है, तो अब आने की कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका जो है स्कोर आ जाएगा। और आगे इसमें देखिए, आगे इसमें दिया है करंट स्टेटस स्कॉलरशिप रेज इतनी इतनी, मतलब इस बैंक अकाउंट में आ गई है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। अगर जिसके में यहाँ पे लिखा पेंडिंग है, बहुत से मतलब उसमें लिखा है पेंडिंग में, जिन लोगों का पेंडिंग में लिखा है वो लोग चिंता ना करें, कुछ दिन वेट करें, उन लोगों का भी आ जाएगा स्कॉलरशिप, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जिला कल्याण विकास अधिकारी के पास नहीं जाने की ज़रूरत है, ठीक है, आप लोगों का आ जाएगा। अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आप एक बार बैंक में जाके चेक कर लीजिए, फिर जिला अधिकारी के पास जाके पता कर लीजिए, जिला कल्याण पिछड़ा वर्ग अधिकारी या जिस भी वर्ग का है उसमें जाके आप लोग पता कर सकते हैं। जिन लोगों का नहीं आ रहा है स्कॉलरशिप, तो आप लोग कमेंट करके हमसे कोई जानकारी है तो पूछ सकते हैं आप लोग, तो सभी लोग कमेंट करके कोई ना कोई जानकारी हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलिए, शेयर सबसे ज़्यादा करें, धन्यवाद।